से आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक विश्वास की कहानी है ये। विश्वास से इंसान क्या हासिल कर सकता है और क्या नहीं हासिल कर सकता है। कहानी है छत्तीसगढ़ की एक महिला की, जो 27 अप्रैल 2011 को इसी तरह से कहीं कुछ सामान लेने गई थी स्कूटी पर, और वो कहीं साइड में कहीं स्कूटी लगा के खड़ी थी, पैर दोनों नीचे थे उसके, और अचानक एक ट्रक आके उसके पैर को कुचल के चला जाता है। वो देखती है रोड के उस तरफ उसका एक पैर छटपटा रहा था, रोड के उस तरफ पैर पहुंच गया था। वो महिला निराश हो गई, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था। लोग आए, उसको पता ही नहीं चला, बेहोश थी वो, जिसका शरीर का एक हिस्सा शादीशुदा महिला का एक पैर टूट चुका था। जब उसे होश आया तो पता चला उसका एक पैर एम्पीटेट कर दिया गया था, तोड़ दिया गया था, कट कर दिया गया था उसको जिंदा रखने के लिए। डिप्रेशन में चली गई, लेकिन उसने एक बात कहा अपने आप से, अगर ईश्वर ने मुझे जिंदा रखा है ना, तो कुछ तो भी होगा उसके पीछे, कहीं मौका होगा, कहीं तो कुछ मुझसे करवाना चाहता होगा, कुछ तो होगा। और इसी विश्वास पर उसने अपने आप को सीधा किया। बिना एक पैर के फैमिली का प्रेशर था, माँ बाप का प्रेशर था, सब कुछ उसको अलग लग रहा था, पूरी दुनिया चेंज हो गई थी। 27 अप्रैल 2011 के पहले की दुनिया और 27 अप्रैल 2011 के बाद की दुनिया पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी, पूरा चेंज हो चुका था सब कुछ। एक शरीर का एक हिस्सा चला जाने से सब कुछ चेंज हो चुका था। और इसी के ऊपर उसने एक विश्वास की एक नींव खड़ा करनी चाहिए। उसने सोचा कि मैं क्या कर सकती हूँ, और उसने सोचना चालू किया। उसी महिला ने 14 जनवरी 2018 को एक पैर पे चलकर, एक नकली फुट लगा के एक पैर पर चलकर 11 किलोमीटर, 2 घंटे में 11 किलोमीटर चलकर जिसने विश्व रिकॉर्ड बनाया। उसी महिला ने, उनका नाम है अनुपमा त्रिपाठी, छत्तीसगढ़ की रहने वाली ये महिला ने अपने आप को अपने पैर पे खड़ा किया। 2011 की घटना 2018 में उसके लिए वो वरदान साबित हुआ। उस समय जो भी मुझे याद आ रहा है कि उस समय जो नेता लोग कह रहे थे कि आज उसका एक टूटा हुआ पैर ही उसकी ताकत बन गई, इसी ने उसे प्रेरणा दी कि मैं कुछ तो भी अलग करूँगी। और इसी बदौलत, इसी एक टूटे हुए पैर ने उसे विश्व रिकॉर्ड बना दिया, ब्रेवो इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड में उसका नाम गया। और उस बुक में नाम दर्ज है, आप जाके नेट पे देख सकते हैं। कई संस्थाओं के साथ वो समाज सेविका भी है, कई संस्थाओं से जुड़ी हुई है, वो अपंग लोगों के साथ काम कर रही है, जल जमीन जंगल बचाव पर काम कर रही है, खनन माफिया पर काम कर रही है, और पता नहीं ऐसे बहुत सारे अलग अलग विषय को उठाकर वो उस पर काम कर रही है। यह है अनुपमा त्रिपाठी जी। जब वो अपने एक पैर को खो के इतना कुछ कर रही है, तो आप सब क्या नहीं कर सकते। जितने लोग मुझे देख रहे इस माध्यम से, मैं सबसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि लॉकडाउन ख़त्म होने की राह में और नया जीवन शुरू होने जा रहा है। हो सकता है आप डिप्रेशन में जा सकते हैं, हो सकता है आपकी नौकरी जा सकती है, हो सकता है बहुत कुछ जा सकता है, लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ। रतन टाटा ने कहा था जमशेदपुर में, ये वर्ष जीवित रहने का वर्ष है। अपने आप को जिंदा रखिए और कुछ ना कुछ करते रहिए। छोटा सा हो सकता है आज अपने, हम जो इतना सोचे थे, आज 1 लाख सोचा था, आज 1 लाख नहीं मिल रहा हमको, 10,000 मिल रहा है, 15,000 मिल रहा है, उसी में खुशियां मनाइए, क्योंकि ये साल जो है जिंदा रहने का साल है। अगर ऊपर वाले ने आपको जिंदा रखा है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ है। आप सभी विश्व रिकॉर्ड बना सकते हैं, आप सभी के अंदर कुछ ना कुछ खासियत है। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की रायपुर में रहने वाली अनुपमा त्रिपाठी ने इतना कुछ करके दिखाया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता, माइंडसेट कोच, मैं आपसे विदा चाहता हूँ। फिर मैं किसी केस स्टडी के साथ, फिर किसी सूत्र के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।